गुड मॉर्निंग दगड़े, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज घर जा रहा हूँ दोस्तों, और अभी हम थोड़ी देर में जा रहे हैं नारायण आश्रम। तो दगड़ियों, घर से लग गए हैं रास्ता नारायण आश्रम की तरफ। तो आज हम आपको दिखाते हैं नारायण आश्रम और GIC नारायण नगर। नारायण नगर इस जगह का नाम क्यों पड़ा, उसकी हिस्ट्री में अभी आपको वहाँ जाके बताऊंगा। नमस्कार दगड़ियों, एल मैं आ रही हूँ नारायण आश्रम में, और हमारा दगा छन यहाँ व्यवस्थापक पांडे जी। तो इन्हन छ हम आज जानूं कि यू आश्रम की इतिहास। सर ये ऐसा है, ये नारायण आश्रम नारायण नगर जो है 1940 में स्वामी जी ने एस्टेब्लिश किया। 1936 में नारायण आश्रम पोस्ट कैलाश की स्थापना करने के बाद उनके दिमाग में ये आया कि कुमाऊं की जो जनता है, कुमाऊं क्षेत्र की जनता है, काफी ब्रिलियंट है और हस्तपुष्ट भी है। हाँ। लेकिन इस जनता के लिए स्कूल कॉलेजेस की कमी होने से ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। हाँ। उन्होंने जब आश्रम कैलाश की स्थापना की तो उन्होंने ये सोचा कि आश्रम का महत्व तब है जब शिक्षित ये लोग होंगे, तब उसके आध्यात्म के बारे में वो लोग जानेंगे। इससे पहले अब हमें इसके साथ साथ इसी के पैरेलल जो है इनके लिए स्कूल और कॉलेजेस की व्यवस्था करनी है। इसका नाम था नारायण आश्रम नारायण नगर प्रबंधक नारायण स्वामी हायर सेकेंडरी स्कूल बापू महाविद्यालय नारायण नगर 1940 से 1952। अब जो है बापू राजकीय इंटर कॉलेज उसका नाम है, जब राजकीकरण इसका जी राजकीकरण हुआ। और राजकीकरण के लिए भी मैं आपको बताऊं, यूपी का पहला प्रोविंशियलाइज कॉलेज है। अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर गोविंद वल्लभ पंत जी को तो जानेंगे, भारत रत्न है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने स्वामी जी को इतनी रिस्पेक्ट दी कि हमारे पहाड़ में जाके हमारे हिमालय के लोगों की इतनी सेवाएं लोग कर रहे हैं। उन्होंने बोला पंत जी ऐसा है, नारायण अब जो है नारायण हरि कहने वाला है, अब ये सब आपके कंधों पर है, ये बाहर आपने कॉलेज को जो है संभालना है, लेकिन नारायण की जो कंडीशन है एज पर कंडीशन उसको उठाना पड़ेगा, जो कंडीशन हम रखेंगे। तो उन्होंने प्रांतिकरण के आदेश जब किए, फर्स्ट पांच जो प्रांतिकृत कॉलेज हुए यूपी में उसमें से पहला नंबर इसका है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है नारायण आश्रम, और ये आप देख सकते हैं पिरामिड के शेप का एक टॉम है। ये जो बेड आप देख रहे हैं दोस्तों, इसी बेड में नारायण स्वामी जी सोते थे, रेस्ट करते थे। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का लेटर है, कौन होंगे ये उसमें, कुछ मुरारजी देसाई। हाँ ठीक है, ये उपराष्ट्रपति जी का लेटर इनको आया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनकी याद में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। आजकल तो दिवाली की छुट्टियां चल रही हैं, तो कॉलेज का गेट बंद है। कमलेश मां साहब ने भी यहीं से पढ़ा है। अरे मेरा नाम है मेरिट में, यहाँ देखो है। अरे वाह, विनोद आपने भी यहीं से पढ़ा है? मैंने हाँ, दो साल पढ़ा मैंने। और आपने इंटर किया मां साहब यहाँ से? क्या बात है, मैंने दसवीं पढ़ी है। तो कैसा लग रहा है मां साहब आपको अपने स्कूल में आके? ये तो हमारा हमारे लिए स्वर्ग है साहब। तो कभी आपकी यहाँ पोस्टिंग नहीं होती? इस जगह के हम कृतज्ञ हैं। हाँ। जो भी हैं इसकी वजह से हैं। ये मेरा फेवरेट कमरा है। हाँ। यहाँ हमारी ड्राइंग की लैब थी। अच्छा, सबसे अच्छा यही लगता था मुझे। ये जो इंटर कॉलेज है दोस्तों, ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का दूसरे नंबर का कॉलेज है। इससे पहले एक रैमजी इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में, उसके बाद यही वाला खुला था। देखिये दोस्तों, गांधी जी की बैठी हुई मूर्ति मैं आज पहली बार देख रहा हूँ, शायद आप भी पहली बार ही देख रहे होंगे। स्कूलों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है ई आकार जो है ना। अच्छा, तो इसका जो डिजाइन था खुद आर्किटेक्ट रहे हैं, तो इन्होंने खुद डिजाइन। तो भाई ये है दोस्तों नारायण स्वामी जी, इनका ये लगा रखा है, यहाँ पेंटिंग बना रखी है, तो इन्होंने ही इस विद्यालय की स्थापना की थी। तो भाई जिसने नारायण नगर इंटर कॉलेज से पढ़ा है मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये है दोस्तों सम्मान पर रहे हैं। अपडेट नहीं क्या होगा। अच्छा, ये एसडीएम साहब से रिटायर हुए अभी। ये मां साहब के ताऊ जी हैं जो कि मेरिट में आए थे, गंगाधर दुप्रेती। तो भाई एक एक करके मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ, और मेरे को कमेंट करके बताना इनमें से कौन कौन मेरे यूट्यूब के ब्लॉग देखता है। ठीक है, वाह
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने जा रही है। ऋचा जोशी, गंगा मेहता, राजेंद्र सिंह मेहता, तुम्हारा साहब अपना दिखाओ। अब आप 2000 सन में क्या होगा, सन 2000 में इंटर किया आपने। मनीष और कमलेश जी हैं। ये नेगी जी, ये वेटरनरी डॉक्टर हैं। डॉक्टर हैं, अभी डॉक्टर हैं। हम मां साहब हैं। क्या बात है यार। पुष्पराज उपाध्याय जी हमसे एक बेस्ट सीनियर थे, ये अभी एलटी में हैं, ये लेक्चरर हैं। अच्छा, लेक्चरर हो गए होंगे। ओके, ये तो गुड्डूदा है। ये गुड्डूदा है हमारे यहाँ। सिद्धार्थ सिंह और ये जीतू है। यहाँ पे स्टाफ बैठता होगा। यहाँ की जो लैब होती थी ना, बायोलॉजी लैब, हाँ। वह अपने समय की जानी मानी लैब थी भाई। अच्छा, बायोलॉजी की। यहाँ पर आपको ह्यूमन स्केलेटन ओरिजिनल जो बॉडी स्केलेटन, यहाँ तक की जो एम्ब्रियो, हाँ हाँ, भ्रूण, ह्यूमन एम्ब्रियो भ्रूण, हाँ। तो कहीं से पता नहीं कहाँ से इनको उस समय मिल पाया थे, हाँ। तो हमारे समय तक भी था वो प्रिजर्व। बताओ, कोबरा, नाजा नाजा टाइप की, ये तो कितने, हाँ। हुए तो और जगह भी मिल जाते। हमारे टाइम में भी ढकन पकड़ के ले जाते थे बायोलॉजी में चीड़ फाड़ करने के लिए। यार भिगने के चक्कर में बायोलॉजी नहीं पढ़ पाया, मुझे एक दिन भिगना फाड़ा उल्टी जैसी आ गई। आओ शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। सेवार्थ जाने लग गए। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये इंटर कॉलेज में पहले हॉस्टल भी था, टीचर्स के रहने के लिए भी था, टीचर्स के लिए अलग क्वार्टर है, हाँ, और बच्चों के रहने के लिए अलग, उस टाइम पे हॉस्टल, ठीक है। हम आपको उनके रूम्स दिखाएंगे, हाँ हाँ। और साथ में यहाँ गुरबाज भी पाले जाते थे, क्योंकि गांधीवादी शिक्षा के वो थे ना, वो हिमायती थे, तो यहाँ पे जैसे कि दादा ने बताया कि स्वावलंबन जो होता है ना, तो उस पे बहुत जोर दिया जाता था। उसमें नीचे वो भी कृषि, एक छोटा सा वो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, नीचे तालाब बन जाता था, क्योंकि ये गैप है ना ऐसा बह के, नीचे ने तालाब बनाया था। अब वो चीजें तो कृषि सब्जेक्ट अगर किसी ने पढ़ा है तो आठ तक, उसमें मेस्टन, हल और आपका क्या क्या था विनोद, उनके चित्र बनाने पड़ते थे और हमें वो आते ही नहीं थे। यार चित्र अच्छे बनाता था, और प्रैक्टिकल में वो बाबियों के कुछ ले जाते थे हम घर से। भैंकुली देखी नहीं थी यार, एक बार बड़गटा भीड़ ले गई उन्हें जुड़बाजू, उन्होंने बड़गटा भीड़, अब नहीं, मैं बॉस का भीड़ ले गया, माँ साहब को पसंद आ गया, अब वो मेरे पीछे पड़ गए, बड़गटे का भीड़ भी लाया। दो साल प्राइमरी में मेरे प्राण सुखाए बड़गटे के भीड़, मतलब उनको अपने घर के लिए चाहिए हो रहा है। अच्छा, ये इंटरमीडिएट की, अच्छा हाई स्कूल की लैब अलग से है, हाई स्कूल की भी लैब थी, चलेगा पूरा लैब अलग हुई, इंटर की अलग है, बड़ी बिल्डिंग में हाई स्कूल की लैब है, पूरा जूनियर स्कूल। वैसे सामान्यता नहीं होती है हाई स्कूल की लैब ना, जैसे इंटर कॉलेज, ये उस सोच का व्यक्ति थे ना, बता रहा उस टाइम पे ये विजन था, बिल्डिंग है वो पूरा स्कूल है अभी के मामले, सिर्फ हाई स्कूल लैब थी, पूरा स्कूल चल रहा है, ये पूरा इंटर कॉलेज समझो, सिर्फ लैब और लैब है इसमें, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर रूम रहते हैं। तो गाइज, इंटर कॉलेज मैंने आपको दिखाया, लैब मैंने आपको दिखाई यहाँ की, अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की ओर। तो उस जमाने में इस कॉलेज में हॉस्टल भी बनाया था, गौशालाएं बनी थी, लैब थी उस टाइम की, और हाई स्कूल की भी लैब थी, और जैसे कि मां साहब ने बताया कि यहाँ पे मानव कंकाल रखा हुआ था। तो मतलब आजकल तो ठीक है, आजकल तो संसाधन भी है और टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो हर स्कूलों में होगा, लेकिन उस टाइम पे स्वामी जी का वो विजन था कि बच्चों को प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाए, है ना। तो असल में संत को ऐसा ही होना चाहिए। स्वामी जी ने जो प्रेयर सुनी ना, हाँ, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पढ़ाई जाने रे, हाँ। मतलब वैष्णव जन यानी संत वही है जो दूसरे की पीड़ा को समझ जाए, सही। उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के न होने की पीड़ा को समझाना, हाँ। तो यहाँ पर शिक्षा का केंद्र उन्होंने, और आज भी इस इंटर कॉलेज में यही वाली प्रार्थना होती है, हमेशा वैष्णव जन तो तेने कहिए। गांधी जी भी कमाल के आदमी हुए, बिल्कुल यार, हम आज गांधी जी को कितना डिनाई कर लें, कितना ही गलियाने गांधी जी को, लेकिन बिना उसके हमारा काम नहीं चल सकता है। इंडिया में गलाते हैं और अमेरिका में नतमस्तक होते हैं, नतमस्तक होते हैं, है ना। तो कुछ तो बात थी गांधी जी में यार। ये रहा दोस्तों हॉस्टल, तो उस समय यहाँ दूर दूर से जो बच्चे पढ़ने आते थे, डीडीआर की नहीं, बहुत दूर दूर से आते थे, नेपाल से भी बच्चे आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, फिर तो वो लोग यहाँ रहते थे। तो
गाइज नारायण नगर इंटर कॉलेज से बहुत महान महान लोग पढ़ के निकले हैं जो कि आज प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान है, और उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है वो नारायण नगर इंटर कॉलेज से हुई, जिसके कुछ उदाहरण मां साहब से मुझे पता चले। सिक्किम में जो हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं अभी ना, एससी पंजी जिनके बारे में बता रहे थे, हाँ हाँ, तो वो यहीं से पढ़े हुए हैं। और आपके एक मैग्सेसे पुरस्कार विजेता दीप जोशी, डॉक्टर दीप जोशी, हाँ, वो परीक्षा वाणी में आपने पढ़ा होगा, दीप जो दो ही लोगों को मिला है सर्टिफिकेट किया है, उत्तराखंड में दो ही लोगों को मिला है ना, अभी चंडी प्रसाद जी और हाँ इनको, तो दीप जोशी जी जो है उन्होंने इसी इंटर कॉलेज से पढ़ा है, नारायण नगर इंटर कॉलेज। और एक यूरोलॉजिस्ट बता, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एन एस डसीला जी है, तो मतलब अभी बच्चों को वो भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, एशिया के सबसे मतलब बड़े वो माने जाते हैं यूरोलॉजिस्ट। यहीं के नहीं, अभी नेपाल में बहुत बड़े पदों पर, राजनीति में कहें या प्रशासन में कहें, नेपाल के बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं, तो ये नेपाल का भी एक केंद्र था पढ़ाई का। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों, अब मां साहब उनके वहां से विदाई हो रही है, ठीक है, एक आध दिन इनके साथ खूब मजे करे, खूब घूमे हम, और दबा के खाना भी खाया आज, तो बाद लोग परेशान हो गए थे रोटी बनाते बनाते, कितना खा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।